कांग्रेस समेत 18 राजनीतिक दल बिना विपक्ष कृषि कानूनों को पास कराने के विरोध में करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार। 29 जनवरी को बजट सत्र के पहले दिन होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ पारित हुआ प्रस्ताव, ऐसा करने वाला छठा राज्य बना पश्चिम बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता पर केंद्र से मांगा जवाब। कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन की याचिका पर जारी किया नोटिस। 26 जनवरी को हुई हिंसक घटना में घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल लेने गृहमंत्री अमित शाह ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, कहा पुलिसकर्मियों के साहस और बहादुरी पर गर्व। लाल किले पर झंडा फहराने के लिए अभिनेता दीप सिद्धू के खिलाफ FIR, 19 से ज्यादा गिरफ्तार, तमाम किसान नेताओं का भी FIR में नाम। संयुक्त किसान मोर्चा ने लाल किले पर हुए हंगामे को बताया आंदोलन को बदनाम करने की साजिश, 1 फरवरी का संसद मार्च रद्द, 30 जनवरी को देश भर में उपवास। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों ने निकाला तिरंगा मार्च, किसानों से रास्ता खाली कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों का भी प्रदर्शन। भारतीय रेलवे ने शुरू की नई सुविधा, अब घर से सीधे बर्थ तक पहुंचेगा यात्री का सामान, एंड टू एंड लगेज सर्विस के नाम से अहमदाबाद स्टेशन से हुई शुरुआत। और गुरुवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, इस साल पहले बार 47,000 के नीचे बंद हुआ सेंसेक्स, 5 दिनों में 3,000 अंकों की गिरावट।